और ये जो हमारे एक इनिशिएटिव था वो असल में सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं था। ये जो इनिशिएटिव है हमने इस इलाके में शांति वापस लाने के लिए, इस इलाके में जो विश्वास के एक भाव है उसको वापस लाने के लिए, पीस और रिकन्सिलिएशन के पर्पस से हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था। तो इसी के चलते हमने लोगों के साथ बातचीत किया, उनके साथ बैठा, बैठने के बाद पूछा कि हम लोग ये स्कूल जो है ये सिर्फ स्कूल नहीं है, ये स्कूल जो है हमारा एक शांति का प्रतीक है, एक विश्वास के प्रतीक है, एक उन्नति का ये प्रतीक है, तो हम इस स्कूल को क्या नाम देंगे? तो संथाली में पीस को सुलुक बोलते हैं और बोरो में उसको गजन बोलते हैं। पहाड़ों से घिरा भारत भूटान की सीमा के पास बसा ये गांव बड़े ही खूबसूरत लोगों और नजारों से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग जोहारबिल को एक नया गांव कहते हैं। किसानों को यहाँ हल चलाते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। आखिर कितना नया है ये जोहारबिल? सापकाटा एक आदिवासियों का जो 1996 और 1998 में सांप्रदायिक जो दंगा हुआ आदिवासी जो बोरोस के बीच में, उस दंगा के बाद सबसे बड़ा रिलीफ कैंप था सापकाटा। लेकिन करीब 1999 और 2001 के बीच में असम सरकार ने जो रिहैबिलिटेशन का प्लान बनाया था उसमें लोगों को तीन कैटेगरी में बांटा गया था। एक कैटेगरी था जो रेवेन्यू गांव से था, दूसरे कैटेगरी जो है वो फॉरेस्ट रेवेन्यू गांव से थे, तीसरा और आखिरी जो कैटेगरी है वो था फॉरेस्ट इनक्रोच गांव से। तीसरे कैटेगरी के लोग हैं वो करीब डेढ़ दशक से भी ज़्यादा समय तक उनको रिलीफ कैंप में ही बिठाना पड़ा। बहुत सालों की एक कानूनी स्ट्रगल के बाद, लीगल स्ट्रगल के बाद उनको हाईकोर्ट से एक जजमेंट मिला गुवाहाटी हाईकोर्ट से, और सरकार असम सरकार उनको 50,000 रुपये करके प्रति परिवार को 50,000 रुपये करके कंपनसेशन देने के बाद वो जंगल के आसपास इलाकों में बस्ती बसाना शुरू किया। ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱛᱟᱦᱮᱸᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱯᱟᱲᱟᱣᱱᱟ, ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜ
आप अगर ये स्कूल को देखभाल कर सके तो हम बहुत ही आपका आभारी रहेंगे। तो हमने उस स्कूल को टेकअप किया। 2008 साल से हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं, नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया जो दिल्ली में है, उन्होंने हमको इस स्कूल के लिए मदद करना शुरू किया। तो 2008 से 2011 तक वो सबकाटा रिलीफ कैंप एलपी स्कूल करके चल रहे थे। करीब 700 बच्चे वहाँ पर पढ़ाई करते थे, 400 से 500 बच्चे जो है वहाँ पढ़ाई करते थे। तब जब 2011 में ज़्यादातर परिवार जो है जंगल के आसपास इलाकों में बस्ती बसाना शुरू किया, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि स्कूल जो है हम लोग जवाहरबिल में शिफ्ट करेंगे। स्कूल और सारे निमित गोड़े उड़ूक चलावें हाने मायम गाँव को चलना बालागाँव को चलना उड़ूक चलावान सोएबिल को चलना और सारे ग्रीत बर्तमान नोड़े स्कूल पढ़ा दो क्लास वन क्लास फाइव धाबी तक अद नित नए 2016 क्लास सिक्सले एहब किया और इमि स्कूल और ना तो अलग जे जय जुग धाबी स्कूल क्लास वन क्लास वन एलपी यो धाबी को मेना उड़ौले मेदा हाई स्कूल कॉलेज धाबी गोटाव और ना स्कूल बाले को उचुआ एनते नवा जगह आमा ढेर गिद्रे मे आठटी अतुरे कटी लटू मुश्किल मेकते आले स्कूल कुरमुटुते गोटा चलाव बनावना और ना स्कूल जय जुग धाबी दो दाड़ा मन कर आले गोटाव 1996 परामे इते आसो गंदगोल हर पीछते इते आसो आगते ग्रामपुर ग्रामपुर श्रीरामपुर श्रीरामपुर इतना रेगुलर सबकाटाते आसो हजबेन्ड तो इतना आंदोलन हेरा से हलो और 20 बसर मान हल और इतना तक आंदोलन 96-98 तो माजे माजे तो नेशन एन जी ओ आई थके बहुत सीतर पर बहुत हेल्प पाल ग्रुप नाम हल जगवान 10 जन मेम्बर आर एट ग्रुप मार्शल बती चारिता ग्रुप एक लगे आम इतना ट्रेनिंग तीन दिन हल आज आज लास्ट एरसन के जितना भी कर्मकर्ताएँ हैं जो इन इस संस्था के फाउंडर्स हैं सारे के सारे लोग जो है बोडो संप्रदाय से बिलोंग करते हैं और हिंसा जो है वो आदिवासी और बोडोस के बीच में हुआ था। तो ये हमारे जो एरसन को शुरू करने वाले जो नौजवान हैं उनके मन में एक अफसोस भी था कि हम लोग यहीं के युवक हैं, यहीं जन्म और पले बड़े हैं और इतना बड़ा यहाँ पे हिंसा हो गया और उसको शांति में वापस लाने के लिए उसके लिए रिकन्सिलिएशन के लिए दो संप्रदाय के बीच में रिकन्सिलिएशन के लिए और पीस का एक माहौल शांति का एक माहौल लाने के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग एक आदिवासी के कैंप में रिलीफ कैंप में जाके उनसे माफ़ी मांगे। तीन को हाँ रखा चला हाँ पढ़ा पढ़ा मतलब तो
हमारा ये है हमारा माने हमारा दिल में वो बच्चे पढ़ाई करने से बहुत अच्छा होगा, एक दिन के लिए नहीं ये तो जिंदगी के लिए उसका परिवार में अच्छा होगा। চলতে আমার স্কুলের লড়া ছালী মোট আছে 342 জন, লড়া আছে 173 জন আর ছালী আছে 169। ইয়ারপরা বহুত বাচ্চা বাহির যাবর কারণে বহুত অসুবিধা হয় স্কুলের কারণে, তার কারণে আমার ইয়াত এমি স্কুল হলে তো খুব ভালো হবে। এই বছরের পর আমি প্রথম আরম্ভ করেছি ক্লাস 6 আর অহা বছরের পর ক্লাস 7 হব 7-8, আর এইটাই ভাবিছো আমি যাতে ইয়াতে আমি হাই স্কুললৈকে আমি বনাব পারো আর আমার ইয়ার বাচ্চাবিলাকে যাতে ইয়াত পড়িব পারে, ইয়ার 8টা গাঁৱৰ বাচ্চাবিলাকে ইয়াত আহে স্কুলত যাতে ইহঁতে বাহিৰত নপঢ়ে আমার স্কুলতে পড়ে, কিয়নো বাহিরত গেলে বহুত কষ্ট, বানপানীর সময় তো বহুত কষ্ট হয়, আমার ওসরতে এটা নদী পার করব লাগবে বহুত পানি হয়। নেশনত আহি নেশনত কাম করি হয়তো আমি এনে বেকারত থাকিলে বেলেগ তন্ত্রত আমি গলে হয়তো আমি অগ্রপন্থীত কাম করব নদীয়া পলিটন, তেনে নহয় আমি ভাল পথতে আছো এতিয়া অহ এটা মানে টিচার হিসাবত আমি কাম করে আসো। আর এটা আমি ভাবি আসো যেতে আগত যে আসিল তাতক এটা অল্প ভাল হয়েছে মানে পরিবর্তন হয়ে আইসে, এই অয়ারনেস মিটিং হয় আমি গার্জেন মিটিং না আমার এনজিও মানুষ আহি বহুত মিটিং পাতিছে আর ইহতক বুঝাইছে, আর এতিয়ালৈকে 8টা গাঁৱত ঘুরিলে এটা ঘরতে এটা ফ্যামিলিতে এজন বাচ্চা কো না থাকে, কোনো বাচ্চাই স্কুলত আহে কষ্ট হলে আহে, এটা বহুত মানে অলপ পরিবর্তন আহিছে। স্থাপিত হয়েছিল ঠাইখন বেলত ঠাইখন কি দেহা অনরিয়া দেহা আর বনরিয়া ঘোড়া বনরিয়া ঘোড়া এই ঠাইখন পাওয়া যায়। আর এই স্কুলখন মানে কাম করা ইমান ভাল লাগিছে যে মই আশা করা নাছিল এই স্কুলখন কাম করব পারি বলে, পিছত আমার ইয়ার এই নেশন এনজিওর তরফর পর আমার সিলেকশন হওয়ার মই বহুত ভাল পাইছি। এলুয়াই দীপুয়ে উসুপি বুলয় ধরিলে আই 2014 मेरा बच्चा के साथ पढ़ाई करने सिखाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। এনহয় স্কুল রেদিন এটেনক কান গিয়া ইনখো কটি তো কুমিন আকো আমি তে গিয়াই কুড়ি কিদ্র কানাই দিন পড়া কা ইন দুকি না গড়ো আই মেন কা আর ইন গড়ো ইয়া জামার বি স্কুল রে স্কুল কান দনা ওন্ডে কে স্কুল কে তে নিত দো বালাগা রে চালানা বালাগা ইম স্কুল ওন্ডে হো আডি কষ্ট নন্ডে কোন চালা সাইকেল বাং তন কা স্কুল এবসেন ওয়া বাং চালা দলি আন ᱱᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱨᱮᱱ ᱪᱷᱟᱛᱨᱚ ᱠᱚ ᱢᱟᱥᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱩᱰᱩᱠ ᱠᱚᱧ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱨᱮᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱵᱟᱞᱟᱜᱟ ᱯᱮ ᱩᱰᱩᱠ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱢᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱥᱮᱱ ये स्कूल नेरसन द्वारा गांव के लोगों के लिए चलाए जाने वाले विभिन्न प्रोजेक्ट्स का केंद्र है। यहाँ गांव में बहुत ट्रैफिकिंग केस होते थे, जैसे कि कोई ब्रोकर आके यहाँ लोकल ब्रोकर के साथ
मिल के वे लोग बच्चों को उठा के दूसरा देश में लेके जाते थे, और वहाँ से ऐसा हालात होता था कि यहाँ से जो बच्चे निकाल के जाए तो वापस नहीं आ सकते थे। वो लड़का ने अपना दोस्त के साथ वेस्ट बंगाल गए थे, वहाँ से ब्रोकर ने उसको यूपी तक लेके गए थे, और वहाँ एक परिवार में नौकर की तरह उसको काम दिया गया था, भैंस धोने और भैंस चराने के लिए। तो ये केस होने के बाद वो लड़का जो यूपी में था उनको पुलिस के हेल्प से लेके आया था, अभी हाई सेकेंडरी में पढ़ रहा है कोकराझार कॉलेज में। और ड्रॉप आउट भी हम लोग जितना बच्चों को निकलाया था ड्रॉप आउट, वो लोगों को आरएसटीसी में हम लोग डाले, वहाँ दो साल के लिए कोर्स था। ड्रॉप आउट स्टूडेंट अभी अपना अपना पास की स्कूल में पढ़ रहे हैं। जहाँ पहले भूखे पेट सोना पड़ता था, अब वहाँ अभाव नहीं है। जोहारविल में बसने के बाद गांव के लोगों को आजीविका के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये जो इतनी अच्छी फसल नजर आ रही है, कुछ सालों पहले ऐसा संभव नहीं था। कुछ वर्षों के अंतर में यहाँ आजीविका को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। शहर से दूर मानो ये एक दूसरी दुनिया है, जहां तक ना सड़कें पहुंचती हैं और ना ही बिजली। बाजार से किरासिन ले लेता था 40 रुपया 45 रुपया किलो में, तो इसे कम रेट से हम लोग के लिए सोलर दे दिया, तो अभी सोलर से हम लोग के लिए बहुत अच्छा चलता है। तो जैसे कि हम लोग पहले तो इसे एक महीना के लिए 1 लीटर 2 लीटर इसे तेल लगता था, अभी तो तेल भी खरीदना नहीं पड़ता है। जो सोलार ले लिया वो सोलार से रात भर जल लेता है, और बच्चा को पढ़ने के लिए भी बहुत सुविधा होता है। जोहारविल एरिया का जो लोगों का जो लाइवलीहुड का किया था परिस्थिति था वो बहुत ही खराब था, क्योंकि वो लोग 15-16 साल ये रिलीफ में रहकर अपना जो काम करने का आदत था, स्किल था, और अपना बेल वगैरह और सीट्स वगैरह था, वो सब कुछ खो दिया था। अभी वो लोग अपने खाने के लिए सब्जियां तो करता ही है, और इसके बाद हम लोग अभी THF NFI और नेल्सन मिला के एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में और लाइफ स्टॉक में अभी ज़्यादातर काम कर रहा है। स्कूल एक ऐसा विचार है जो एक समुदाय को एकजुट कर सकता है, उनके बीच एक नींव बन सकता है जो कि वहाँ के बच्चों को एक नया सपना देखने के काबिल बना सकता है। स्कूल एक ऐसा विचार है जो ना कभी मटमैला हो सकता है, जो किसी सियासती दांव पेच में दब के कहीं खो नहीं सकता है। स्कूल एक ऐसा विचार है जो आपकी खामोशी में रह के पनप नहीं सकता है।